वन आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे सो so, ये वीडियोस मैंने जी और डी पंजाब की स्टार्ट की थी पर बीच में बी का पेपर आ गया था इसीलिए मैंने उसकी वीडियोस डाल के इनको रोक दिया था तो आज से दोबारा से मैं क्लासेस जो है जी एम एच एंड डी पंजाब के लिए यूट्यूब पे स्टार्ट कर रही हूँ थर्टी क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी थी आज हम थर्टी क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं स्पेशली जो ये वीडियो है डी पंजाब की आने वाली वैकेंसी आप पूछेंगे बच्चे के मैम कब आ रही है तो नेक्स्ट थ्री टू फोर मंथ्स में आपको जाएगी एनजीएमसीएच जी की तो मैं बार बार बोल चुकी हूँ नवंबर का एंड दिसंबर की स्टार्टिंग में आ जाएगी तो आप लोगों के पास जितना भी टाइम है उसको हंड्रेड परसेंट दो एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है जैसे कि आप देख सकते हो बी एफ यू एच एस के रिव्यूज़ मैंने अपने कम्युनिटी सेक्शन में डाल दिए हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप जी एम सी एच और डी एच एस पंजाब के लिए बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं फुल थ्योरी बैचेस हैं जो कि है एक फोर मंथ्स का और सिक्स मंथ्स का जीरो टू हंड्रेड बैचेज रहेंगे मतलब हम जीरो से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अनाटमी एंड फिजियोलॉजी आपका बेसिक सबसे पहले क्लियर करके देन सारे सब्जेक्ट्स की थ्यूरी एम सी क्यू क्लासेस प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ डिस्कस होने वाला है इस बैच में जो फोर मंथ्स का बैच है वो है ओनली इन टू फाइव डबल नाइन ओनली इन टू फाइव डबल नाइन में आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो और जो सिक्स मंथ्स का बैच है अगर आपको ऐसा लगता है कि हम सिक्स मंथ्स का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिक्स मंथ्स का बैच बहुत ही अफोर्डेबल थ्री फोर डबल नाइन का बैच है तो कोई भी बैच आप इन दोनों वैकेंसीज के लिए मेरे से बात करके इस नंबर पर आज ही ज्वाइन कर सकते हैं टाइम वेस्ट मत करो अगर आप कहो कि हम यूट्यूब से प्रिपरेशन करेंगे बच्चे सब कुछ प्रिपरेशन यूट्यूब से नहीं होती आपको एक डिसिप्लिन वे में कॉन्स्टेंट वे में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी पढ़ना पड़ेगा बेसिक क्लियर करना पड़ेगा एंड फिजियोलॉजी में क्लियर होना पड़ेगा तभी कर पाओगे और एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सो so, अब चलते हैं हम अपने एमसी क्यूज पे ठीक है सो so रेगुलरली ये वीडियो जो है 5:30 और सिक्स पी के बीच में आया करेगी तो आप इस टाइम पे इस चैनल को जरूर देखें ताकि आप क्वेश्चन साथ के साथ कर पाए पहला ही क्वेश्चन करने जा रहे हैं अ विक्टम इज कफिंग अ ब्लड एंड ब्लीडिंग फ्रॉम द माउथ एंड टेंडर इन द डम पल्स इज वीक एंड रैपिड द विक्टम इज बींग साइन ऑफ तो एक विक्टम है उसके ब्लड आ रहा है जब वो कफ कर रहा है तो सबसे पहले कफ कफ में ब्लड आना ठीक है यहाँ पे आ रहा है विक्टम के कफ पे ब्लड आ रहा है ब्लीडिंग हो रही है माउथ से और एबडामन जो है वो टेंडर है ठीक है पल्स जो है उसकी वीक और रैपिड है मतलब कि पल्स फील नहीं हो रही बट बहुत फास्ट है ठीक है तो विक्टम को क्या है मैसिव हेड इंजरी इंटरनल ब्लीडिंग ड्रग ओवरडोज पॉसिबल पॉइजनिंग सो देखो कफिंग ब्लड मतलब कि पेशेंट के कहीं अंदर से ब्लड आ रहा है ठीक है माउथ से ब्लीडिंग हो रही है मतलब इंटरनल कहीं ब्लीडिंग हो रही है और फ्रेश ब्लीडिंग आ रही है और एबडमन टेंडर है तो इट मींस पेशेंट के कहीं ना कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है इट कैन बी इन द डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ हो रही है इसके कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लीडिंग हो रही है जिसकी वजह से एबडमन भी जो है टेंडर फील कर रहा है क्या हो रहा है एबडमन में भी टेंडरनेस फील हो रही है तो इस चीज को चेक करने के लिए तभी पेशेंट को टेक्की कार्डिया हो रहा है पर पल्स वीक है ठीक है ना यहाँ पे पेशेंट को हमें क्या देखने को मिल रही है टेकी कार्डिया, तो इट इज शोइंग के पेशेंट का जो है ब्लीडिंग इंटरनल हैमरेज हो रहा है सो राइट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर टू क्लियर क्वेश्चंस को कनेक्ट करो एक दूसरे के साथ ऑप्शंस के साथ कनेक्ट करो आंसर आपके सामने ही होगा सो so नेक्स्ट है

द नर्स शुड टीच द क्लाइंट विद अस्थमा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर ऑफ अक्यूट अस्थमा अटैक तो नर्स जो है टीच करेगी क्लाइंट को जिसको अस्थमा है कि इनमें से मोस्ट कॉमन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या है अस्थमा अटैक का तो जब किसी पेशेंट को अस्थमा अटैक आता है तो उस अटैक के पीछे कॉमन फैक्टर क्या होता है सब लोगों में लाइक अस्थमा तो है पेशेंट को पर उसके जो अटैक आ रहे हैं बार बार उसके पीछे कॉमन सब में क्या देखने को मिला है फैक्टर ऑक्यूपेशनल ऑक्सपोजर टू टॉक्सिन वायरल वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एक्सपोजर टू सिगरेट स्मोक एक्सरसाइजिंग इन कॉल टेम्परेचर इन्फेक्शन देखो ऑक्युपेशनल एक्सपोजर तो सिर्फ उन लोगों में जिन जो लोग ऑक्यूपेशनल ये काम कर रहे हैं उन लोगों को अस्थमा है तो देखने को मिलेगा सो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन अस्थमा अटैक देखने को मिलते हैं बाय द वायरल इन्फेक्शन सो जैसे ही वैदर चेंज होता है या फिर कोई वायरल होता है या सराउंडिंगस में तो उन लोगों को अस्थमा अटैक रेपिटेशन में देखने को मिलते हैं ठीक है सो so, यहाँ पे जो राइट right ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर टू क्लियर आई थिंक इट्स अ मोस्ट कॉमन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइन डायग्नोज विद्रक्यल ऑब्सट्रक्शन विच असेसमेंट फाइंडिंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू फाइन तो ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन है ऑब्स्ट्राक्शन है पेशेंट की कौन सी असेसमेंट जो है आप देखोगे पेशेंट में प्रोडक्टिव कफ नॉर्मल ब्रीदिंग साउंड रस्ट कलर्ड स्पूटम डिक्रीज द यूज ऑफ एक्सेसरी मसल अगर पेशेंट का एक्सेसरी मसल्स का यूज डिक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स कि पेशेंट तो इम्प्रूव कर रहा है क्योंकि एक्सेसरी मसल्स तभी यूज होती हैं जब पेशेंट को सांस लेने में ब्लम आती है तो वो जोर लगाने के लिए एक्सेसरी मसल्स का भी सपोर्ट लेता है रस्ट कलर स्पूटम हमें निमोनिया में देखने को मिलता है नॉर्मल ब्रीदिंग साउंड तो ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन में हो ही नहीं सकती पर अगर आपको प्रोडक्टिव कफ देखने को मिल रही है देन दिस असेसमेंट देखने को मिलती है हमें ब्रोंकियल जब नैरोइंग ऑफ द ब्रोंकियोल्स हो जाते हैं नैरोइंग हो जाती है वहां पे तो हमें प्रोडक्टिव कफ देखने को मिलती है नेक्स्ट है सो क्वेश्चन द नर्स इज केयरिंग फॉर अ फियरफुल पेशेंट विच पेशेंट रिस्पांस इंडिकेट सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल तो दो नर्वस सिस्टम होते हैं सिंपथैटिक एंड पैरासिम्पथैटिक दोनों का काम अलग है यहाँ पे हमें सिम्पैथैटिक नर्वस सिस्टम का पूछा है जहाँ पे हम फाइट एंड फ्लाइट के मोड में रहते हैं एक बहुत डरे हुए पेशेंट की आप केयर कर रहे हो तो क्या रिस्पॉन्स इंडिकेट करेगा कि उसका सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम इस टाइम ऑन है ड्राई स्किन पेलर का स्किन पेलर कॉन्स्ट्रक्ट कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ प्यूपल एंड पालसरेटेज सिक्सटी

इंडिकेशन uh, है ठीक है बट सिंपथैटिक की होती है कि आपकी स्किन पे स्वेटिंग होती है ठीक है पीपल्स डायलेट हो जाते हैं हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है इज अ सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम अब देखो ये थ्यूरी से क्लियर होगा आपका ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले थोड़ा सा बैचेस का आपको बता दू तो देखो जो भी चीज है आपको अच्छे से क्लियर करनी है जीरो से पढ़ना है तो आप आज ही बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल बैचेज है मेरे पास फॉर जीएमसीएच एंड डीएचएस पंजाब की वैकेंसी के लिए आने वाले थ्री फोर मंथ्स में आपको ये दो वैकेंसीज दिख जाएंगी और इनकी प्रिपरेशन अगर आप अच्छे से करना चाहते हो कि आपको जॉब लेनी ही लेनी है नेक्स्ट ईयर में तो आप आज ही से ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच फुल थ्योरी बैच रहेंगे मेरे पास दोनों के लिए जीरो टू हंड्रेड मतलब आप ज़ीरो से स्टार्ट करूंगी मैं आपका पहले बेस क्लियर करूंगी ताकि आपका नैटमी एंड फिजियोलॉजी से ऑर्गन्स क्लियर हों देन हम एम पे मूव करेंगे थ्यूरी पे मूव करेंगे टेस्ट लेंगे सब होगा ठीक है फोर मंथ्स का बैच है एक सिक्स मंथ्स का बैच है जो फोर मंथ्स का बैच है उसकी फीस है ओनली टू और अगर आपको सिक्स तक में पढ़ना है उसकी फीस है थ्री फोर डबल नाइन बहुत ही अफोर्डेबल बैचेस हैं बहुत ही अच्छी जो है आप स्टडी करोगे मेरे साथ एज यू आर अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो और अगर आप ऑलरेडी मेरे बैचेस में हो या फिर आप आना चाहते हो तो इन प्राइजिस पे आप अच्छे से बैचेस ज्वाइन करके आज ही मेरे साथ जुड़ सकते हो प्रॉपरली स्टडीज करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी सिक्स इन विच पोजिशन नर शुड इनिशियली प्लेस अ पेशेंट हु हैज़ एक्सपीरियंस ब्रेन अटैक सेरेब्रोल वास्कुलर एक्सीडेंट अगर किसी का सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट हुआ है तो आप पेशेंट को किस पोजिशन में रखोगे प्रॉन पोजिशन लेटरल पोजिशन सुपाइन पोजिशन ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन तो अगर किसी को भी सीवियर ब्रेन अटैक हुआ है तो हम हमेशा उसे ट्रेनलन बर्ग पोजिशन में रखते हैं ठीक है ऐसा क्यों क्योंकि देखो सी बी ए में इंक्रीज हमें आई सी पी नहीं करना है ठीक है ना सेरिब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट्स में हमेशा हम उसे ट्रेंडल वर्क पोजिशन देते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं अ क्लाइंट डायग्नोज विथ स्कीजो फ्रेनिया एज एक्सपीरियंस एहन तो स्कीजो वाले पेशेंट को एहन डोनिया का मतलब होता है पेशेंट प्लेजर नहीं फील कर पा रहा कौन सा नर्सिंग डायग्नोज जो है इंक्रीज करेगा आपका कंसर्न कि क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम है और आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाओगे डिस्टर्ब इन सेंसरी प्रसैप्ट

पर्सन नेक्स्ट है इन असेसिंग अ चाइल्ड विथ थायर स्टेटसमेंट फाइंडिंग शुद्ध डॉक्यूमेंट एज सब्जेक्टिव फाइंडिंग तो देखो थायरयड स्टेटस चेक कर रहे हो बच्चे का इसमें से कौन सी असेसमेंट जो है सब्जेक्टिव फाइंडिंग है दो होती हैं ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का मतलब है जो आपको पेशेंट बताएगा ऑब्जेक्टिव का मतलब है जो आप पेशन में देखोगे फटीग वेट लॉस हाइपोटेंशन टेक्कीाडिया सो फटीग इज अ सब्जेक्टिव फाइंडिंग जो कि बच्चा आपको खुद बोलेगा कि मैं बहुत वीक फील करता हूँ वेट लॉस आप वेइंग मशीन पे खुद चेक करोगे क्योंकि आपको ही पता है ना आइडियल वेट उसका क्या होगा बच्चों को थोड़ी नॉलेज होती है हाइपरटेंशन के लिए आप बीपी चेक करोगे उसका तभी पता चलेगा के लिए पल्स चेक करोगे सो so, ये जो तीनों है ये ऑब्जेक्टिव साइन है जो कि आप पेशेंट में खुद ऑब्जर्व करोगे बट फटी इज अ सब्जेक्टिव साइन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द एबनॉर्मल इन चाइल्ड विद द डायग्नोज ऑफ हीमोफीलिया सो हीमोफीलिया वाले चाइल्ड में इसमें से क्या एबनॉर्मल होगा हीमोफीलिया इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर सो प्लेटलेट काउंट व्हाइट ब्लड सेल काउंट हीमोग्लोबिन लेवल पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम सो ऑब्वियसली पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिंग टाइम जो है ये आपका क्लॉटिंग टाइम के बारे में बताता है सो so, अगर किसी को हीमोफीलिया है तो उसको तो ब्लीडिंग प्रॉब्लम है ठीक है ना एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है तो उसका ऑब्वियसली क्लॉटिंग टाइम जो है वो बड़ा होगा मतलब कि टाइम लगता होगा ब्लड क्लॉट बढ़ने में और ये जो है इसमें हमें एबनॉर्मल देखने को मिलेगा पीटीटी बोलते हो जिसको ठीक है नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटी इज कॉम्प्रोमाइज इन अ न्यू बॉर्न बेबी विद क्लेफ्ट लिफ्ट तो इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है क्लेफ्ट लिफ वाले बेबी में कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलेगी सकिंग सवालव So, रेस्पिरेशन फेशन है तो जीएमसीजाब की स्टाफ नर्स की वेकेंसी का वेट कर रहे हो बहुत से बच्चे होते हैं मैम हम फ्रीद कोट नहीं जा पाएंगे हम अमृतसर पटियाला नहीं हमें अपने होम टाउन में चाहिए सिविल हॉस्पिटल में चाहिए तो ये वेकेंसी आपको आपके नियर बाय टाउन में मिलेगी सो so इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप चाहे फोर मंथ्स का और सिक्स मंथ्स का दोनों बैचेस सेम है इज़्स ऑल अबाउट द टाइम फ्रेम दोनों का टाइम फ्रेम डिफरेंट है अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से मेरे से फोर मंथ्स में सीख लोगे देखो हम सिलेबस कंप्लीट दोनों में ही करेंगे फोर मंथ्स में आप जल्दी जो है बैच को फटाफट से कवर करेंगे सिक्स मंथ्स में हम प्रॉपर एक आपको टाइम फ्रेम मिल जाएगा रिविजन के लिए भी क्लासेस से जीरो से स्टार्ट करेंगे बेसिक से सारा करेंगे नैटमियन फिजियोलॉजी हर एक कंसेप्ट को क्लियर करूंगी मैं सो so फीस भी बहुत अफोर्डेबल है फीसिस पे ध्यान दो टू फाइव डबल नाइन ओनली फॉर फोर मंथ्स और मंथ्स की तो बहुत ही अच्छी ये कहीं नहीं दिखेगी आपको थ्री फोर डबल नाइन ठीक है सो so आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके टिल देन डू हार्ड वर्क मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो रेगुलर वीडियो इवनिंग में फाइव थर्टी से सिक्स पी एम के बीच में आपको दिखा करेगी ऑल द बेस्ट